बात करते हैं हैप्पी भाग जाएगी की। इस फिल्म के निर्माताओं में एक आनंद एल रॉय भी है जिन्होंने तनु वेड्स मनु बनाई थी। उनके फिल्म की छाप हैप्पी भाग जाएगी पर नजर आती है। हालांकि इस फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है। पाकिस्तान के एक्स गवर्नर का बेटा बिलाल अहमद कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने अमृतसर आता है। लौटते समय उसे उपहार मिलते हैं जो एक ट्रक द्वारा लाहौर ले जाए जाते हैं। दूसरी ओर हैप्पी की शादी उसके पिता बग्गा से तय कर देते हैं। हैप्पी को यह रिश्ता पसंद नहीं है, वह गुड्डू से प्यार करती है। शादी वाले दिन भाग कर हैप्पी गलती से बिलाल वाले ट्रक में घुस कर लाहौर पहुँच जाती है। हैप्पी को वहाँ देख बिलाल चकित रह जाता है। वह हैप्पी को वापस भारत भेजना चाहता है लेकिन हैप्पी को भय है कि भारत लौटते ही उसकी शादी बग्गा से करा दी जाएगी। वह बिलाल को धमकी देती है कि यदि उसने ऐसी कोशिश की तो इससे उसके राजनीतिक करियर पर खतरा पड़ सकता है। बिलाल इसका हल ढूंढता है और गुड्डू को पाकिस्तान लाता है ताकि दोनों की शादी कराकर उन्हें भारत लौटा सके। इधर बग्गा को पता चल जाता है कि हैप्पी और गुड्डू पाकिस्तान में है। वह और हैप्पी के पिता पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इसके बाद भागम भाग होती है और हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म होती है। फिर जी कंफर्म्ड है, भाग गए। मुदस्सर अजीज की कहानी विश्वसनीय नहीं लगती है क्योंकि बहुत सारे झोल इसमें नजर आते हैं, लेकिन मुदस्सर का स्क्रीन प्ले और प्रस्तुतिकरण उम्दा है। मनोरंजन का डोज लगातार दर्शकों को मिलता रहता है। कारण हम कहानी की खामियों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार हैप्पी को अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। हैप्पी के आने से बिलाल की लव लाइफ और सोच में किस तरह परिवर्तन आता है यह बखूबी दिखाया गया है। भारत पाकिस्तान को लेकर अच्छे खासे मजाक किए गए हैं। एक पाकिस्तान पुलिस ऑफिसर को यही अफसोस होता रहता है कि गांधीजी, गालिब, कपिल देव हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हुए। वह भारत आकर नमक खाने से परहेज करता है लेकिन यह जानकर हैरान रह जाता है कि पाकिस्तान में नमक भारत से ही आता है। फिल्म में कुछ मजेदार दृश्य हैं, जैसे बिलाल का अपने पिता को समझाना कि उसकी दिवंगत माँ घर में ही दिखती रहती है, अफरीदी और गुड्डू की उर्दू पर चर्चा। फिल्म का पहला हाफ उम्दा है, दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी लड़खड़ाती है क्योंकि कुछ सब प्लॉट उतने मजेदार नहीं है। हैप्पी और गुड्डू की लव स्टोरी थोड़ी कच्ची लगती है लेकिन अंत में फिल्म फिर ट्रैक पर आ जाती है। पता नहीं लाहौर के किस पागलखाने से छूट के आई है। पागलखाने से नहीं, पागलखाने में आई हूँ। पता नहीं। निर्देशक के रूप में मुदस्सर प्रभावित करते हैं। अपनी कहानी की कमियों को उन्होंने निर्देशन के जरिए छिपा लिया। सिचुएशनल कॉमेडी के जरिए उन्होंने दर्शकों को हंसाया है। हैप्पी के किरदार को उन्होंने दूसरे किरदारों के जरिए विकसित किया है जो थोड़ा अखरता है। इस वजह से हैप्पी को फिल्म में कम जगह मिलती है जबकि दर्शक हैप्पी को ज्यादा पर्दे पर देखना चाहते थे। शायद अभय देओल के कारण उन्होंने यह समझौता किया है। और वेर जी इनको मैन लैन तो बोलो, इनको लग रहा है बगल वाले मोहल्ले में जाना है, पैदल निकल रहे हैं। डायना पेंटी ने हैप्पी की भूमिका बढ़िया तरीके से अदा की है। तेज तर्रार किरदार को उन्होंने वो सब कुछ दिया जो जरूरी था। अभय देओल हमेशा की तरह उम्दा रहे, उन्हें कॉमेडी करते देख अच्छा लगता है। जिमी शेरगिल तनु वेड्स मनु वाले अवतार में ही नजर आए और एक बार फिर उनके हाथ से लड़की निकल गई। अली फजल का उपयोग कम हुआ। पाकिस्तानी अभिनेत्री मोमल शेख का अभिनय औसत रहा है। पुलिस ऑफिसर अफरीदी के रूप में पीयूष मिश्रा ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। Am I speaking with Gudu? Me, Daman Singh Bagga. Punjabi to English, non-stop, top speed, who you be, what you want. Situational comedy, छोटे से संवाद और शानदार एक्टिंग के कारण हैप्पी भाग जाएगी दर्शकों को हैप्पी करती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।